फ्रेंड्स, हेयर आप पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस का आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड। बच्चे माँ बाप की प्रति छाया होते हैं, इसलिए बच्चों के स्वभाव को देखकर समझा जा सकता है कि माँ बाप कैसे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड, पिछली क्लासेज में मैंने आपको अबाउट टू, गोइंग टू और टू, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ाया था, ठीक है फ्रेंड। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेज को हम किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड, आज हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। अबाउट टू, गोइंग टू और टू का इस्तेमाल हम किन स्थितियों में करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए करते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और उसका हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम उसका हम क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसमें अबाउट टू और गोइंग टू का, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आइए, क्वेश्चन वर्ड। हम एक सेंटेंस लेते हैं, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट आर यू टू डू, या नेक्स्ट मीन्स दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता होगा अच्छी तरह से, व्हाट आर यू अबाउट टू डू, तीसरा व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है फ्रेंड। वह क्यों जाने वाला था, वह क्यों जाने वाला था। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सारा का सारा मीन्स प्रेजेंट और पास्ट सब मिक्स में पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई इसमें मतलब अलग से पास्ट अलग से पढ़ाऊँ और प्रेजेंट अलग से पढ़ाऊँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने आपको पहले अच्छी तरह से बता दिया है कि इज आर एम का पास्ट वाज वर होता है। तो इसमें हम जो भी सेंटेंसेज हम इज आर एम से बना रहे हैं, अगर वो था थे थी वाला मीन्स पास्ट वाला होगा तो उसमें हम वाज वर लगाएंगे, सिंपल है। जैसे वह क्यों जाने वाला था, अगर हम यहाँ पर लिखते कि वह क्यों जाने वाला है तो उसका होता कि व्हाई इज ही अबाउट टू गो, या व्हाई इज ही गोइंग, या व्हाई इज ही टू गो। तो वहाँ पर जहाँ हम इज लगा रहे हैं वहाँ पर हम सिंपल वॉज लगा देंगे। जैसे अगर हम इसका तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पर अगर हम लिखते कि तुम क्या करने वाले थे तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर चेंज होता, थे होता। तो जो भी सेंटेंसेस इज आर एम से बनते हैं अगर उसके अंत में था थे थी हो, पास्ट हो उसका, तो फिर वहाँ पर हम वाज वर लगाते हैं, और जहाँ पर आर हम लगाते हैं वहाँ पर वर लगाते हैं, जहाँ पर इज लगाते हैं वहाँ पर वाज लगाते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ पर वर हो जाएगा, अगर यहाँ पर थे होगा तो। तुम क्या करने वाले थे तो व्हाट वर यू टू डू, व्हाट वर यू अबाउट टू डू, व्हाट वर यू गोइंग टू डू, सिंपल है फ्रेंड। तो अभी इसको हम इसको बनाते हैं, वह क्यों जाने वाला था तो व्हाई वॉज ही गोइंग। आपको मैंने बताया था कि जब गो यानी कि गो वर्ब हो, जाना वर्ब हो, तो उसमें गोइंग टू गो नहीं लिखेंगे बल्कि हम गोइंग लिख के छोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड। व्हाई वॉज ही गोइंग, दूसरा व्हाई वॉज ही अबाउट टू गो, तीसरा व्हाई वॉज ही टू गो, ठीक है फ्रेंड। आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, मीन्स अबाउट टू, गोइंग टू और टू, यहाँ पर मैंने टू नहीं लिखा है, आप वो समझ लेना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अबाउट टू, गोइंग टू और टू से बनाते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ किसी से भी कि तुम क्या खरीदने वाले हो, तुम क्या खरीदने वाले हो,
हम इसको फ्यूचर में बोल रहे हैं। फ्यूचर में अगर आपको शैल विल का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा या आता होगा तो आप शैल विल लगा कर भी बना सकते हैं, जैसे व्हाट विल यू बाई, तुम क्या खरीदोगे और तुम क्या खरीदने वाले हो, मीन्स व्हाट आर यू अबाउट टू बाई, व्हाट आर यू गोइंग टू बाई। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल फार्मूला है और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अच्छी तरह से इसको देख लो, एक बार समझ लो, फिर मैं जो क्लास के एंड में सेंटेंसेस देता हूँ उसका आप अभ्यास करो, शर्तिया आप समझ जाओगे और अच्छी तरह से सीखोगे इंग्लिश, अगर जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे और रोज़ का क्लास मेरा अटेंड करोगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको लिख लो, हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। कितने लोग आने वाले थे, कितने लोग आने वाले थे, तो कभी भी कितना कितनी वाला जब सेंटेंस आता है तो जिसकी हम संख्या या मात्रा पूछते हैं उसको साथ में हमेशा लिखते हैं, इतना आप याद रखना। तो कितने लोग पहले लिखेंगे, हाउ मैनी पर्सन, या हाउ मैनी पीपल भी लिख सकते हैं, हाउ मैनी पर्सन वर टू कम, ठीक है, या हाउ मैनी पर्सन वर अबाउट टू कम, या हाउ मैनी पर्सन वर कमिंग। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे है। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस आप जो कुछ भी यहाँ पे सीख रहे हो, जिस तरह के सेंटेंसेस आप सीखते जा रहे हो उसका पहचान का नियम, मेकिंग फार्मूला, ये सब आप याद रखना और इसको बोलने की रोज़ प्रैक्टिस करना फ्रेंड। मीन्स अपने बोलचाल में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका आप इस्तेमाल करो। जब तक आप इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, नहीं शुरू करोगे, तब तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इंग्लिश आती है उनको, इंग्लिश समझते हैं, पढ़कर समझ लेते हैं, बोलते हैं वो, सुनकर समझ लेते हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोलने की यही वजह होती है कि वो बोलने की कोशिश नहीं करते, वो हिचकिचाते रहते हैं, डरते रहते हैं कि गलत बोलूँगा, शर्माते हैं, मीन शर्म होती है उनके पास, झिझक होती है, तो वो नहीं बोलना शुरू ही नहीं करते हैं। आप बोलना शुरू कर दो, शुरू कर दो आप बोलना, आप बोलना शुरू कर दोगे तो धीरे 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 आप देखना ये इजी लगने लगेगा, कोई भी मीन्स अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। शुरुआत में ज़रूर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगी कि मीन्स सोचना पड़ेगा, फिर उसका इंग्लिश बनाना पड़ेगा, फिर बोलना, तो ये अनकंफर्टेबल महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब अपने आप सुधरता चला जाता है और मीन्स इंक्रीज होता चला जाता है, मीन्स आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे और क्लास के एंडिंग में जो मैं सेंटेंस दूंगा उसको आप बना लेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर वीडियो भेजो, वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8 भेजो। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, अगर आप सचमुच में सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको मेरे भेजे बगैर ही आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया है और आप देख सकोगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही और अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद। दोस्तों, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।